स्टूडेंट्स, तो एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से आपको पता है कि जो 9th एंड मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो इम्तिहानात हैं वो आगे कर दिए गए हैं, मतलब एक्सटेंड कर दिए गए हैं। एक्सटेंड का मतलब है कि अभी 16th से स्टार्ट नहीं होंगे, पेपर जो है वो अभी मुलतवी हो चुके हैं। ठीक है, आपको जो ये इम्तिहान की छुट्टियाँ मिली है, ठीक है, इन छुट्टियों में समर वेकेशन भी इंक्लूडेड है। और प्लस एक और चीज़ ध्यान में रखें, आप इनको ज़ाया ना करें, आपको फुली प्रिपेयर करें ताकि अगर आपकी तैयारी 60% थी तो वो 90% हो जाए। और देखें, जो मैंने टारगेट पेपर आपको प्रोवाइड किया है मैथमेटिक्स का, मैट्रिक क्लास, तो वो टारगेट पेपर वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, और अगर उसी टारगेट पेपर की अब भी आप तैयारी करते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए, फ़ायदेमंद साबित होगा और इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। और साथ साथ उस पेपर को मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्व भी करवाऊंगा तमाम चीज़ें। तो आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखिए, अभी टाइम हमारे पास बहुत सारा है, तो इन टाइम को हम निकाल करके डेली बेसिस पे इंशाल्लाह, ठीक है, और मैं आपको समझाता जाऊंगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू की क्या वैल्यू होगी इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो आपको गिवन है ये आपकी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपकी एक एक्सप्रेशन है, दिस इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, या इसको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्यू की क्या वैल्यू होगी सो दैट द एक्सप्रेशन वुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है, इस पोलिनोमियल में आप क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, आया क्यू की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, क्यू की वैल्यू 4 पुट करोगे, तो जब जैसे ही आप 4x4 प्लस 12x3 प्लस 25x2 प्लस 24x प्लस क्यू, आप जैसे इस क्यू की जगह कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करोगे, तो उस वैल्यू को पुट करने से ये एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, ताकि आप इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो अब इसको करने का एक तरीक़ेकार है, आपको प्रोसेस बताऊंगा, प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगा, जिस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और इसी तरीक़ेकार से अगर आप करते हो तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी और आपको पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पेपर पूरा करना बड़ी बात नहीं होती, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है वो बड़ी बात है। और पेपर आप इस तरीके से प्रेजेंट करो कि चेकर को चेक करने में आसानी हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है, तो कोशिश करो कि अपना टाइम मैक्सिमम दो स्टडीज़ को, ताकि आपके पास क्या है कि ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, कहते हैं हम डिवीजन मेथड। तो अब हम डिवीजन मेथड के ज़रिए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, जो क्यू की वैल्यू अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है उसको आपने यहां लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस बॉक्स के नीचे लिख देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मेन स्टेप स्टार्ट होता है। आपने कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिस नंबर को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये फर्स्ट टर्म आ जाए। याद रखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें टोटल 5 टर्म्स हैं, और जो फिफ्थ टर्म है क्यू वो अननोन है जो आपको मालूम करनी है। तो ये 5 टर्म्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स हैं, जिसमें से आपको लास्ट टर्म क्यू फाइंड आउट करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है आपको सोचना, जैसे मैं आपको कहता हूँ 4, मैं आपको 4 कहता हूँ, तो आप कहोगे सर 4 जो होता है वो 2 और 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है, यानी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो सिमिलरली आपने दो ऐसे फैक्टर्स सोचने जिन दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो 4x4 आ जाए। आप कैसे करोगे ज़रा देखना, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास 2x2, अगर मैं 2x2 लिखता हूँ और उसे मैं 2x2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जाएगा 4x4 आ जाएगा, ठीक है। तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। सिमिलरली अगर आप 2x2 को 2x2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट बिकम्स 4x4। वाई, 2 इंटू 2 4 एंड x2 इंटू x2 x4, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। बात समझ भाई, आपको दो फैक्टर्स सोचने, जिन दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो 4x4 आ जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो
अब कौन सा 4x4 आएगा, प्लस का 4x4 आएगा। देखो 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 2x2 से, तो प्लस का 4x4 आना चाहिए, ठीक है, प्लस का 4x4। सिमिलरली आपने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया, अब देखें ये प्लस था, आपने 2x2 को 2x2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4x4 आया। तो जो भी साइन होगा इस साइन को आप रिवर्स कर दोगे, रिवर्स मीन्स प्लस है तो आपने माइनस कर दिया, ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने साइन को रिवर्स किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी बची हुई एक्सप्रेशन होगी उस बची हुई एक्सप्रेशन को आपको एग्जैक्टली नीचे उतार देना है, तो ये बन जाएगा 12x³ प्लस 25x² प्लस 24x प्लस क्यूब। और एक और काम आपने करना है कि जो 2x² है उसी 2x² को आपने नीचे ऐड कर देना है, जो 2x² देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जिस 2x² को आपने उसी 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x4 आया, आपने साइन को रिवर्स कर दिया तो क्या है, ये है प्लस 4x4। प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x4, ये हो जाएगा माइनस का 4x4, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये प्लस 4x4 माइनस 4x4 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगी उसको आप ऐसे ही नीचे उतार देंगे, रिमेनिंग एक्सप्रेशन को इसी तरीके से उतार देंगे। अब देखो 2x2 था, जो आपने यहाँ फैक्टर सोचा था उसी फैक्टर को आप नीचे ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4x2, 2x2 प्लस 2x2 इज 4x2 हो गया। अब क्या करोगे आप, अब आप सोचोगे 4x2 है जो आपने 2x2 2x2 को ऐड किया तो 4x2 है, आप सोचोगे 4x2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 12x³ आ जाए, यानी 4x2 को आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि 12x³ आ जाए, तो वो कौन सा फैक्टर होगा आपका, 3x, ठीक है, क्योंकि देखें अगर आप 4x² को 3x से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 × 3 12 एंड x² × x x³, क्योंकि x और x बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यानी 4x² को आपने 3x से मल्टीप्लाई करना है, कौन से वाले 3x से, प्लस के 3x से, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस किया है। 4x² को अगर आप प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x³ आ जाएगा। अब 12x³ कौन सा वाला आएगा, प्लस का 12x³, देखो ये प्लस का 12x³ आएगा, ठीक हो गई, सही है। अब मैंने बताया था जैसे आपने साइन को रिवर्स कर दिया, इसी तरीके से आप जब 4x² को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12x³। मैंने यही बताया कि आपको सोचना है कि आप 4x² को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि 12x³ आ जाए, तो 4x² को आपने प्लस 3x से मल्टीप्लाई किया, सो 4 × + 3 प्लस 12 x² × x x³, वही फैक्टर आ गया प्लस 12x³। अब इसके साइन को आप चेंज कर दोगे, जैसे आप साइन को चेंज करोगे सो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना, 4x² को आप जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे उसी फैक्टर को यहाँ आप साथ में लिख दोगे, 4x² को आपने प्लस 3x से मल्टीप्लाई किया तो उसी प्लस 3x को आपने साथ में लिख दिया, ठीक है। अब आगे का काम एक और इम्पॉर्टेंट है, 4x² को आप जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे उसी फैक्टर को आप 4x² के साथ लिख दोगे, और दूसरा काम ये है कि उसी फैक्टर को आप उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। 4x² को आपने 3x से किया तो 12x³ आया, उसी फैक्टर को 3x को आपने इसके साथ लिख दिया प्लस 3x। अब ये जो 3x आपने साथ में लिखा है इसी 3x को आप दोबारा उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 कितना बनेगा, प्लस का 9। x × x कितना बनेगा, x² ये बनेगा प्लस 3 × + 3 प्लस 9 x × x x², ये प्लस में है तो उसके साइन को भी हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ जितनी एक्सप्रेशंस आती जाएंगी सबकी साइन को रिवर्स करना, प्लस 3 × 3 9 x × x x² ये हो गया, ठीक है। अब और कोई एक्सप्रेशन हो नहीं सकती आगे मल्टीपल, क्योंकि और कोई फैक्टर है नहीं। अब क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ क्या किया था, जो एक्सप्रेशन आपने जिस फैक्टर को आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था उसको आपने ऐड किया था, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4x² तो 4x² कैसे आया, 2x² को ऐड करने के बाद, अब यहाँ 3x है तो आप यहाँ पर 3x ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 6x, समझ आया, वही 3x आपने ऐड कर देना है, 3x आपने ऐड कर देना है, जो आपने यहाँ पर फैक्टर ऐड किया है उसी फैक्टर को आप नीचे ऐड करके ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 3x प्लस 3x 6x, ठीक है। अब यहाँ देखें ये तो कैंसिल हो गया, 25x² माइनस 9x² कितना बनेगा, 25 माइनस 9 16x² प्लस
24x प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 25 माइनस 9, दैट इज 16x² प्लस 24x प्लस क्यू, ठीक है, 25 माइनस 9 इज 16x² प्लस 24x प्लस क्यू, ये एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो आपको दरअसल करना क्या है, क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, सो दैट द एक्सप्रेशन और द पॉलिनोमियल वुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब दोबारा आप यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, अब सोचेंगे आप 4x², देखिए फर्स्ट फैक्टर ही चल रहा है, यहाँ भी फर्स्ट फैक्टर था, अब आप सोचेंगे 4x² को आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि 16x² आ जाए। देखें यहाँ पर अगर मैं 4x² को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16x² आ जाएगा, तो आपको सोचना है 4x² को आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 16x² आ जाए। सो 4x² विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, 4x² फैक्टर विल बी मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टर, इट वुड बिकम्स प्लस का 16x², ठीक है, तो 4x² को आप प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस का 16x², आपको यहाँ साइन को चेंज कर देना है, सही है, आप यहाँ साइन को चेंज कर देंगे। सिमिलरली मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जिस फैक्टर को आप जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा उसी फैक्टर को आप साथ में लिख दोगे, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, अब आपका मेन काम स्टार्ट हुआ, पहले 4x² को आपने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 12x³ आया, उसी फैक्टर को आपने यहाँ लिख दिया और उसी फैक्टर को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो एक्सप्रेशन बना दी। अब यहाँ देखो आपने 4x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन है। सिमिलरली आप 6x को भी मल्टीप्लाई करोगे 4 से, सो जब आप 6x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24x प्लस का 24x, 6x मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज प्लस का 24x, साइन आप चेंज कर देंगे। लास्ट है आपका प्लस का 4, आप प्लस के 4 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा प्लस का 16 और यहाँ आप साइन को चेंज कर देंगे, सही है। तो बात ज़रा समझना, यहाँ मैंने क्या किया था, फर्स्ट फैक्टर को जो 4x² था उसको मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 12x³ आया, उसी 3x को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर उसी फैक्टर को मैंने उससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। अब यहाँ दो फैक्टर्स थे, यहाँ दो टर्म्स थी, यहाँ कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म 4 से होगी तो ये आया, फिर 6x 4 से होगा तो ये आएगा, फिर 4 से होगा तो 16 आएगा। इस तरीके से इंडिविजुअल टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर 3x को मल्टीप्लाई किया था फिर 3x को मैं नीचे ऐड कर दिया था, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 4 को नीचे ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4x² प्लस 6x प्लस 8, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, उसी टर्म को आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ देखें आपने प्लस 16 ऐड किया, अब देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी जब आप साइन चेंज करेंगे। सिमिलरली प्लस 24x और माइनस का 24x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या चीज़ बचेगी, यहाँ बचेगी प्लस का क्यू, प्लस का क्यू और साथ में प्लस माइनस, प्लस का क्यू बचेगा और प्लस का 16 था, हमने साइन चेंज किया तो माइनस आया, तो ये बनेगा प्लस का क्यू प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस का 16, ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब जो आपके पास क्यू माइनस 16 है, ये जो क्यू माइनस 16 है, क्यू माइनस 16 इज योर रिमाइंडर, क्यू माइनस 16 इज द रिमाइंडर, अब क्यू माइनस 16 आपका रिमाइंडर है और आपको यही मालूम करना था कि क्यू की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे सो द एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये जो क्यू माइनस 6 है ये आपका रिमाइंडर है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप अपने रिमाइंडर को जीरो रख दोगे, क्योंकि देखें लास्ट में अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए ना, लास्ट में अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए तभी ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तो हमारे पास जो लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है क्यू माइनस 16, तो रिमाइंडर होना कितना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हम इस रिमाइंडर को कितना रख देंगे, जीरो, बिकॉज क्यू माइनस 16 इज द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर मस्ट बी जीरो व्हेन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो क्यू माइनस 16 को मैं इक्वल रख दूंगा जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस 16 है, ये राइट साइड पे शिफ्ट होकर प्लस 16 हो जाएगा, तो लास्ट में आप लिख दोगे, उसमें एक स्टेटमेंट लाजमी लिखोगे आप, वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 16 द गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम अ
परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट आप लाजमी लिखोगे, फॉर वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 16 द गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इस तरीके से ये कहलाता है डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड को आप इस्तेमाल करते हो, आप लास्ट में रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को आप जीरो पुट करते हो और उससे आपको गिवन वेरिएबल जो भी ए बी होगा या क्यू होगा जो कि उस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद होगा उस वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई या इस चीज़ को समझने में थोड़ी परेशानी है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास इसको और आसान तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है। अगर इस डिवीजन मेथड को समझने में आपको परेशानी है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली कोशिश करके आपके लिए और आसानी पैदा की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए और करेंगे उससे ही एडवांटेज मिलेगा मुझे, ठीक है। और दैट्स इट, और क्वेरी हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। और मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस की, इसी एक क्वेश्चन को अगर आप बार बार करें तो इंशाल्लाह आपका दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। अगर आप इसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो मेथड्स इंशाल्लाह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो परेशानी की बात नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।